थाने में फांसी, मुश्किल में खाकी। क्या है थाने में मौत का रहस्य? पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल। पुलिस थाने में युवक ने मौत को लगाया गले। एमपी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला यह मामला इंदौर के कनाड़िया थाने का है। पुलिस की कस्टडी में जहां आरोपी कड़ी निगरानी में रहता है, तो वहीं इंदौर में पुलिस की निगरानी के बीच एक युवक ने खुद ही थाने के अंदर फांसी लगा ली। दरअसल निक्की उर्फ सनी डोंगरे को एक मामले की पूछताछ में कनाड़िया पुलिस ने हिरासत में लिया था। लंबी पूछताछ के बाद जब थाने का पुलिस बल रोल कॉल परेड के लिए थाने से बाहर आया, उसके बाद इस युवक ने थाने के अंदर ही फांसी लगा ली। जैसे ही पुलिसकर्मियों की नज़र उस पर पड़ी तो तत्काल पुलिसकर्मी उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। थाना कनाड़िया में 21 दिसंबर को की रात में बाईपास पे जितेंद्र उर्फ जीतू नाम के एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। इसी अपराध के सिलसिले में पहले दो मुख्य जो संदेही हैं निप्पी और रवि, इनको पुलिस ले आई थी। पूछताछ में उनसे पता चला सन्नी उर्फ डाबू पिता रमेश बलई जो शांति नगर मूसाखेड़ी का है, ये भी इनके साथ सह आरोपी था। इस सूचना पर पुलिस द्वारा शांति नगर में इसकी जब पूछताछ की गई तो आज दोपहर में उसके पिता और बहन द्वारा थाने पे ले आके उसको प्रस्तुत किया गया था। पूछताछ के दरमियान वो महिला हवालात में दोपहर में अंदर गया था। बाथरूम में उसने गले में एक फंदा लगा के, जो कंबल वहाँ पड़ा था हवालात में, लगा के उसने वहाँ पर पड़ा हुआ मिला। जैसे ही सूचना संतरी और SCM ने देखा तो तत्काल उसको वहाँ से निकाला और वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी और मयूर अस्पताल इलाज के लिए भेजा था। मामला सामने आने के बाद इंदौर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर थाना प्रभारी और थाने के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों से जानकारी जुटाई है। घटना की जानकारी जब निक्की के परिजनों को लगी तो थाने पर जमकर हंगामा भी हुआ। परिजनों ने पुलिस पर निक्की को प्रताड़ित करने का संगीन आरोप भी लगाया। थाने में पुलिस की कस्टडी में हुए इस सनसनीखेज घटनाक्रम ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि थाने में पुलिस की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे सामने आई कि युवक थाने में ही फांसी के फंदे पर झूल गया।